गाइस राहिल की म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग से रिलेटेड एक बिग वाली अपडेट आई है। जी हाँ, एक खुशखबरी आई है हमारे राहिल के म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग से रिलेटेड। सो गाइस, अब वो खुशखबरी क्या है, चलो गेस करो सब लोग। सो गेस करोगे तो भी पता नहीं चलेगा। सो गाइस, राहिल की म्यूज़िक एल्बम हो गई फिक्स। जी हाँ, आप लोग थंबनेल पे जो है, आप लोग थोड़ा सा जो लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकोगे तो आप लोग इस वीडियो पे ही आओगे। सो गाइस, मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली बता दूँ, हमारी राहिल की म्यूज़िक एल्बम आने वाली है। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, फैंस कहीं पे भी नहीं छोड़ते हैं कमेंट करना। सो जहाँ पे पाते हैं राहिल की म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सो रिक्वेस्ट काम आ गई। जी हाँ, आप लोगों ने जो इतने सारे कमेंट किया, आप लोगों ने जो इतना सारा मेहनत किया है, सारे का सारा मेहनत बेकार नहीं गया, सफल हो गया। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। सो गाइस, हम एक इंस्टाग्राम पे एक आईडी है। सो उस आईडी का नेम मुझको ना ठीक ठाक नहीं पता है, मतलब अपडेट आई थी तो आप लोगों से शेयर किया। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ, उस आईडी, वो आईडी एक ऐसी आईडी है, मतलब वो जो ना, मतलब म्यूज़िक एल्बम्स रिलीज़ करती है। जी हाँ, रिलीज़ करती है म्यूज़िक एल्बम्स, एंड उनसे जो है उनके पोस्ट पर रिक्वेस्ट की गई थी हमारे राहिल की म्यूज़िक एल्बम के लिए। सो उन्होंने रिप्लाई दिया, बट मतलब कमेंट पर रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने स्टोरी रखी। सो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो जो है रिक्वेस्ट करेंगे हमारे राहिल से बात करेंगे, मतलब हमारे हेलीशा एंड राहुल सुधीर से वो बात करेंगे, मिलेंगे एंड उनसे कुछ बात करेंगे, साइन करेंगे। वो लोग दोनों अगर म्यूज़िक एल्बम साइन करते हैं तो उन दोनों की म्यूज़िक एल्बम आएगी। सो जी हाँ गाइस, यही अपडेट था बस। सो आप लोगों को और एक इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ बता दें, ये न्यूज़ झूठ हो सकती है एंड फेक भी हो सकती है। झूठ अगर न्यूज़ आएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास अपडेट आया था तो बस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, सोचा कि आप लोगों को खुश कर दिया जाए, खुशखबरी दे दिया जाए। तो गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ बता दूँ, उन्होंने स्टोरी पे बस, मतलब मैंने उनका स्टोरी पे नहीं देखा है, उनके आईडी भी नहीं देखी है, उनके अकाउंट भी नहीं देखी है, उनके प्रोफाइल भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखा है, बस अपडेट आया था इसलिए आप लोगों को बोल दिया, और उनकी आईडी भी मुझको नहीं पता है। सो आप लोगों को एक चीज़ बता दें, उन्होंने कन्फर्म कर दिया है वो लाएंगे। अब अगर हेलीशा एंड राहुल सुधीर मना कर देते हैं तो उनकी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये हेलीशा एंड राहुल सुधीर अगर मना कर देंगे, बट मेरे अकॉर्डिंगली वो लोग दोनों मना नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की म्यूज़िक एल्बम आ सकेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड फैंस इतना डिमांड कर रहे हैं, राहुल भी देख रहे हैं ये एंड हेली भी ये देख रही है। सो आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने इतना डिमांड किया, इतना रिक्वेस्ट किया, किससे, हेलीशा एंड पारस कल नावक की जो म्यूज़िक एल्बम आने वाली है कह सकते हैं, सो आने वाली ही है। सो हम लोगों ने उनके प्रोड्यूसर वरुण विल्ला को इतना सारा मैसेज किया, ये किया, वो किया, इतना सारा कुछ किया, उन्होंने कन्फर्म भी किया, हाँ हम लोग 23 अगस्त को न्यूज़ दे देने वाले हैं कि राहिल की म्यूज़िक एल्बम आ रही है या नहीं, बट उन लोगों तो झूठ हो गए, उन लोगों ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया 23 अगस्त को। मैं आप लोगों को सच बता दूँ, उन लोगों ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया था। जी हाँ, सो गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, वरुण विल्ला ने हम लोगों को झूठ बोला है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे के सारे फैंस कहीं भी नहीं छोड़ते हैं कमेंट करने में, एंड सारे के सारे फैंस हर जगह, मतलब स्टेबीर मैन, उसके बाद टोनी कक्कर, ये वो सब जो म्यूज़िक एल्बम जो लोग रिलीज़ करते हैं बेसिकली, तो उन लोगों को जो हमारे फैंस ने रिक्वेस्ट किया, मैसेज किया, DM किया, इतना सब कुछ किया, बट किसी ने भी हम लोगों को रिप्लाई दिया नहीं दिया। सो आप लोग, वरुण विल्ला ने रिप्लाई दिया बट उन्होंने तो रिप्लाई ही नहीं दिया। जी हाँ, तो हम लोगों ने इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट थी, उन्होंने इतना बड़ा रिप्लाई दे दिया। उसके बाद जब हम लोगों ने मतलब उन्होंने ही उनको वही रिप्लाई देना था इस बार, वो एक बड़ी वाली रिप्लाई देते हम लोगों के लिए, वो खुशखबरी होने वाली थी, बट उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। सो वो हम लोगों से ऐसे झूठ बोल दिए। एंड मुझे लगता है, मुझे जितना लगता है, वरुण विल्ला, और आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, वरुण विल्ला ने कहा था कि मेरी जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है वो सब मैं पहले कंप्लीट करूँ, मतलब पेंडिंग प्रोजेक्ट का मैं आप लोगों को मतलब बता दूँ, पेंडिंग प्रोजेक्ट का मतलब होता है उनके अगले जो, मतलब जो कन्फर्म किए गए म्यूज़िक एल्बम्स है वो सबको वो जो है क्लियर करते एक बार, मतलब शूटिंग ये वो सब कुछ करके वो डाल दे, जैसे कि हेलीशा की म्यूज़िक एल्बम आने वाली है वैसे ही वो लोग जैसे रिलीज़ कर दे, उसके बाद वो राहिल की म्यूज़िक एल्बम के बारे में सोचेंगे। एंड आप लोग देखिए, सारे के सारे फैंस हर जगह रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब कमेंट कर रहे हैं, रिप्लाई आ रहा है, बट मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ, जिसका मैंने आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा बात कही है कि जो आईडी है इंस्टाग्राम पर, उसने स्टोरी पर रिप्लाई दिया है, जो हाँ जी हाँ, ये अपडेट जो है आई
सही है, बट ये कंफर्म है या नहीं ये मैं खुद से भी नहीं कह सकती, एंड मैंने खुद भी आंखों से नहीं देखा है कि मैं देखा है कि उन्होंने स्टोरी दी है। सो मैं आप लोगों को बोल दूँ ये न्यूज़ फेक भी हो सकती है, बट जो भी था आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, खुशखबरी थी सारे के सारे फैंस के लिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा सा लगा होगा, कोई भी अपडेट अगर अच्छा सा लगा होगा सो या इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड और एक चीज़ आप लोगों को बता दें, आप लोगों को अगर ये न्यूज़ पता थी कि राहेल की म्यूज़िक एल्बम के लिए कन्फर्म हुई है, ये बात अगर आप लोगों को पता थी, ये न्यूज़ अगर आप लोगों को पता थी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ मुझे पता थी ये न्यूज़ कि राहेल की म्यूज़िक एल्बम पक्की हो चुकी है, सो आप लोग लिख दीजिएगा। एंड अगर किसी को नहीं पता थी तो आप लोग लिखिएगा कि नहीं मुझे नहीं पता थी ये न्यूज़ कि राहेल की म्यूज़िक एल्बम आने वाली है, तो राहेल की म्यूज़िक एल्बम हो चुकी है फिक्स। जी हाँ, सो या अगले कोई वीडियो में मैं आप लोगों के साथ राहेल की म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग के तो हो गए, राहुल ज्ञान ममता मैम के अपडेट्स के साथ मिलती हूँ।